डियर लॉटरी की ओर से लॉटरी विजेता को 1-1 करोड़ रुपए के चेक वितरित किए गए। क्या आपने सोचा है कि 6 रुपए में आपको 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं? क्या आज के युग में इस बात पर हम यकीन कर सकते हैं? ऐसा ही यकीन नागपुर के प्रशांत कुमार और मुंबई के रामा स्वामी को भी नहीं हुआ था, जब उन्हें 6 रुपए के डियर लॉटरी पर 1 करोड़ का इनाम लगा था। जी हाँ, देश के प्रसिद्ध डियर लॉटरी की ओर से 2 दिसंबर से 17 फरवरी तक ये योजना चलाई गई। इस 78 दिन चले योजना में देश के कुल 105 जनों को 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। इन दो भाग्यवान विजेता को शहर में भव्य समारोह में मान्यवरों के हस्ते चेक वितरित किए गए। इस समारोह में प्रमुख अतिथि के रूप में डियर लॉटरी के डायरेक्टर जो नागालैंड से है ज्योतिषा दाओ आए थे, साथ ही प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री भी उपस्थित थी, साथ ही पीटीपी के संचालक सिराज शेख उपस्थित हुए थे। इस समारोह में शहर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर आए थे। समारोह की शुरुआत गणेश भगवान को याद कर गणेश वंदना से की गई। के बाद समारोह में उपस्थित मान्यवरों का स्वागत किया गया और उन्होंने अपने मनोगत व्यक्त किए। So comparatively, those small is a very old state, and I'm grateful to be here today with you to say something about the activities of the Nagaland State Lotteries. But first of all, before I went into the activities of the department, if I don't congratulate the two winners, the two properties who is among us, for them we get it here today. So I congratulate both of you. यहाँ इतने सारे लोग आए हैं तो सभी तो लॉटरी विनर नहीं है, 2 हैं हमारे सामने, कुछ नागालैंड लॉटरी से डायरेक्टरेट से है, कुछ ब्रोकर्स हैं, कुछ स्टॉकिस्ट हैं, पर हर एक इंसान वो है यहाँ पर जो सोचता है, समझता है और विश्वास रखता है कि डियर लॉटरी उनके लिए बहुत डियर है। बहुत सारी चीज़ें जैन साहब ने कही और बहुत सहज शब्दों में कही कि आप अगर 6 रुपए से आपका नसीब का लिखा बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो या नसीब खोल सकते हो तो ये जरूर ट्राई करना चाहिए। ये समारोह नागपुर शहर में हो रहा था तो फिर मराठी गानों पर डांस ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कलाकारों ने मराठी लावणी सादर कर समारोह में समा बांधा। आखिरकार वो समय आ गया जब इस समारोह के हीरो प्रशांत कुमार और रामा स्वामी को मान्यवरों के हस्ते 1-1 कर चेक दिया गया। चेक लेते समय दोनों के चेहरों पे खुशी खास तौर पर दिखाई दे रही थी। हमारी टीम ने भी इन भाग्यवान हीरो से बात की तो मुंबई के रामा स्वामी ये आर्मी में काम करते हैं और उन्हें हमारी टीम को बताया कि जब उन्होंने रिजल्ट देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। 2-3 बार देखने के बाद यकीन हुआ और उस दिन उन्हें नींद भी नहीं आई। रामा स्वामी को इन पैसों से अपने परिवार के लिए एक घर बनाना है। मैं छुट्टी जा रहा था, मतलब मकर संक्रांति का छुट्टी जा रहा था। छुट्टी जाते समय पे मैंने दुकान पे देखा एक लॉटरी है, ठीक है इसको खरीद लेते हैं, क्योंकि लेके गया जो लेके गया उस टाइम पे ट्रेन में जा रहा था, उस टाइम पे रिसल्ट पता चल गया। इससे घर बनाऊंगा, बाकी फैमिली के लिए इस्तेमाल करूँगा, फैमिली के लिए। दूसरे भाग्यवान विजेता जो कि नागपुर से प्रशांत कुमार है, उनकी भी हालत रामा स्वामी से अलग नहीं है। उन्हें भी पहले यकीन नहीं हुआ था। उन्हें पैसों से अपने परिवार के लिए घर बनाना है, साथ ही अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है। 2 तारीख की टिकट मैंने एक तारीख खरीदी थी, 2 तारीख का रिजल्ट आया ऑनलाइन देखा मैंने, तो उसमें मेरा नंबर लग गया था, तो उसमें वो पैसा आ गया मेरा। मेरा सपना ये है कि मुझे एक प्लॉट लेना है, बच्चे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा रखना है, मेरा होम लोन चालू है वो भी कट करना है मुझे। एक्चुअली उसी दिन बता दिया था, लेकिन बाद में बताया जब कंफर्म हुआ, मैं खुद ही विश्वास नहीं कर रहा था इस चीज़ पे, लगी कि ना लगी, कोई बोलता था कि फ्रॉड रहती है, कोई बोलता था नहीं सही रहती है, कभी लगी नहीं किसी को, कभी पता नहीं था, तो इस चक्कर में मैंने बताया नहीं घर में। फिर बाद में जब ऑनलाइन देखा, उसके बाद में पेपर में भी देखा, दूसरे दिन कन्फर्म हो गया, तब जाके मैंने बताया।
हम हमेशा कहते हैं कि 6 रुपए में क्या होता है, मगर डियर लॉटरी ने इन 6 रुपयों में देश के 105 व्यक्तियों की किस्मत बदला कर उन्हें करोड़पति बना दिया है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।